गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह अच्छे होंगे। अच्छा, आपने जो व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में कमेंट किया है कि सर सेंटेंस के बारे में बताएं, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आज हम आपका जो आपने एक टॉपिक मांगा है वो डाल रहे हैं। आप भी अगर देख रहे हैं वीडियो, आपको भी कोई टॉपिक करना है, ग्रामर का कोई टॉपिक करना है हिंदी या इंग्लिश का, तो आप कमेंट में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सेंटेंस। ठीक है, जो आपका आज का हमारा टॉपिक है वो है द सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं वाक्य, कि वाक्य किसे कहते हैं। हिंदी का जो हमारा टॉपिक है, हम इसकी वीडियो बना चुके हैं, आप चाहो तो इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई भाव निकले। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थपूर्ण, यानी कि उसके कोई मीनिंगफुल होना चाहिए, वह भाव निकलता है तो वह वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम इंग्लिश में देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स मतलब सब, शब्दों का एक ऐसा समूह, ग्रुप मतलब समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण कोई न कोई भाव निकलता है, कोई मीनिंग निकलता है, उसको हम सेंटेंस यानी के वाक्य कहते हैं, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम वाक्य ले रहे हैं आई एम अ टीचर, ठीक है, या आई एम अ बॉय, या आई एम अ समथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं जिसके बारे में हम खुद हैं बता रहे हैं। अगर लड़का है, लड़की है, तो बॉय है, गर्ल है, हम उसके बारे में कोई भी वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे हम वाक्य ले रहे हैं आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, और पीछे है इसके फुल स्टॉप। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह एक ऐसा शब्दों का समूह है, शब्द है इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, 4 वर्ड्स हैं, शब्दों का समूह है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिनके ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वर्ड्स इसके अंदर 1 2 3 4 4 वर्ड्स हैं। तो आई एम अ टीचर, इसका मीनिंगफुल सेंस, इनके कंप्लीट सेंस भी इसकी निकल रही है, पूर्ण भाव निकल रहा है, तो यह है कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो यह हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। और इसके फुल स्टॉप, हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, सिंपल जो सेंटेंस होते हैं हमेशा उनके पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं। नेगेटिव वाक्य भी जैसे जैसे वो असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही आता है, तो उसके अंदर भी हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो अगर मैं इसी जो ये शब्दों का समूह यानी कि सेंटेंस है, इसको मैं शब्दों के समूह में कुछ और तरह से लिखने जा रहा हूँ। देखिए एक बार, टीचर अ आई एम, टीचर अ आई एम, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ये, नो डाउट, शब्द हैं, शब्दों का समूह है, बट मिसिंग क्या है, कंप्लीट सेंस, यानी कि इसके अंदर सेंस नहीं निकल रही है, ठीक है, भाव नहीं निकल रहा है। वाक्य तो है बट कंप्लीट वाक्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सेंस नहीं निकल रही है। तो इस प्रकार शब्दों के इस समूह को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, हम सेंटेंस सिर्फ वही वाक्य को कहेंगे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसकी कंप्लीट सेंस निकले। तो यहाँ तक समझ आ गया, आगे हम करते हैं इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमारे टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे यहाँ पर 5 टाइप्स इसकी दी गई है। सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, वो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस, कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चौथे प्रकार का जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा जो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, कौन से हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार जो इसकी प्रकार है वाक्य, जो 5 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य हो गया इसके अंदर, जो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, और ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो आइए अब इनको हम डिटेल से थोड़ा कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं असर्टिव सेंटेंस, इनको हम हिंदी में साधारण वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस, इसमें हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है,
इंफॉर्मेशन, सूचना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना, के हमें किसी के बारे में सूचना मिलती है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, अब पीछे फुल स्टॉप। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके पीछे हमेशा हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? फुल स्टॉप का, ठीक है। तो ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो हमें सूचना मिल रही है कि वह एक जो पेशे से क्या है, डॉक्टर है, तो हमें सूचना मिल गई, तो हमारा ये असर्टिव यानी कि साधारण वाक्य हो जाता है। इसी के अंदर इसके हम दो पार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस के। इसके अंदर जो आता है वाक्य अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, कि हमें कोई चीज, कोई बात जो है वो स्वीकार कर ली है, उसके अंदर हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो हमें यह बात स्वीकार करते हैं कि इंटेलिजेंट है जो राम, वह तो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, स्वीकार कर ली हमने कि हाँ वो एक्चुअल में ही इंटेलिजेंट है, तो हम इस प्रकार के जो वाक्य है उसे बोलेंगे कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य है। तीसरा जो इसका जो दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, हम उसको लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बच्चों वो होते हैं जिसमें हम नोट का प्रयोग करते हैं, एनओटी नोट, यानी कि हिंदी के जिन वाक्यों में नहीं आता है, नकार दी जाती है कोई चीज, उसको हम बोलते हैं कि वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। और जो ये वाक्य है हमारा असर्टिव, इसके ही ये टू पार्ट्स है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसके पीछे हम हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, कि जिन वाक्यों के अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई प्रश्न पूछा गया है, उस प्रकार के जो वाक्य हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां पर रहते हैं, और इस प्रकार के जो वाक्यों में अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। किसका? प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटरोगेटिव साइन, क्लियर है। जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, ठीक है, मे आई कम इन, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें हम प्रश्न पूछते हैं और पीछे जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो एक वाक्य जो तीसरा है हमारा वो है इंपेरेटिव, जिन वाक्यों के अंदर आज्ञा, आदेश, उपदेश, ठीक है, आज्ञा, आदेश, उपदेश दिया जाता है, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य, क्या बोलते हैं इनको, आदेशात्मक वाक्य। कि इस प्रकार के वाक्यों में आदेश दिया जाता है, जैसे गेट आउट, कम इन, है ना, इस प्रकार के जो वाक्य में हम आज्ञा मिली हो, ऑर्डर मिला हो, या कोई हम उपदेश मिल रहा है या दे रहे हैं, तो वो वाक्य कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य, आदेश वाले वाक्य, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उसके अंदर हमें वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी ये दिखाई देता है, ठीक है। सिंपल वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में हम जो फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव वाक्य जो होते हैं उनमें हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, और जो एक्सक्लेमेटरी साइन होते हैं उसके अंदर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का यूज करते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कोई विस्मय, विस्मयादी वाक्य बोलते हैं इनको, विस्मय बोधक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में जैसे हर्ष, विस्मय, आश्चर्य,
आदि का बोध होता है। अगर हम कोई भी चीज देखते हैं एकदम से, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, तो एकदम से जिसमें हम आश्चर्य होता है हमें, तो उस प्रकार के वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन का, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। और पीछे लगा देते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। या कोई दुख होता है, सोरो, है ना, हुर्रा, वीर, जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं हुर्रा के बाद जो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का निशान लगाते हैं, ठीक है। सोरो है, कोई जैसे कोई रो रहा है वू वू करके, ठीक है, तो उसके पीछे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारा पांचवा और अंतिम सेंटेंस की जो टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिनको हम इच्छा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में जिस प्रकार हम किसी का धन्यवाद करते हैं, कोई हमारी इच्छा होती है, उस प्रकार के शब्द जो वाक्य बनते हैं वो इच्छा सूचक यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में धन्यवाद, आशीर्वाद या इच्छा व्यक्त की जाती है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, और इनके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारे आज के सेंटेंस। इस वाक्य के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। क्या होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो किसी काम को करता है, यानी कि कार्य को करने वाला कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है। राम इज अ गुड प्लेयर, राम क्या है, क्या कार्य कर रहा है वो, कि भाई अच्छा खिलाड़ी है, ये उसका एक्शन है। तो हम क्या करेंगे, राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो भी बचता है वो हमारा प्रेडिकेट यानी कि विधेय, जिसको बोलते हैं कि कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर, उसके काम के ऊपर पड़ता है, जो काम होता है वह विधेय होता है और जो काम करने वाला होता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। एक वाक्य देखते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इस वाक्य में हम अगर इसको अलग अलग करके देखें तो ही कौन है, हमारा यह हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी जो काम है क्या क्या काम कर रहा है और कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, जो उत्तर आता है वह कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है वह पत्र लिख रहा है, ये हमारा प्रेडिकेट होता है। तो ये है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये हमारा जो सेंटेंस का था, सेंटेंस का चैप्टर था, वो यहीं के कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है, वैसे हमने कोशिश की है कि आप अच्छे से इसको समझाएं, और जो इसके मेन मेन पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अगर कुछ भी और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर शुरू में नंबर दिया जाता है, आप वहाँ से उस नंबर को चेक करें और अपना जो होमवर्क है वो इसके अंदर डालें। हम यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वहीं पे समाप्त यहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के अगली, जब तक हमारी वीडियो नहीं बनती तब तक के लिए आप इसको देखें और इसको लर्न करें। जो बाय बाय।